हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डीप कैसे मारते हैं, रीडिंग कब लिखेंगे, दिन भर का सेल का रीडिंग कैसे लिखें। ठीक है, देखिए आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में कि डीप कब मारें और रीडिंग कब लिखें। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जैसे आप लोग डीप मारते हो 7 बजे या 7:30 या 8 बजे शाम को, स्टाफ का हिसाब के लिए, दिन भर का सेल बचत निकालने के लिए हिसाब के लिए, तो आप इसमें रॉड को डालते हैं। ठीक है, जिससे आपका टंकी है उसमें रॉड को डालते हैं। फर्स्ट में आपका रॉड को डालिए, अब जहाँ तक पेट्रोल है या डीजल है वहाँ तक वो गीला हो जाएगा, फिर इसको निकालिए बाहर। फिर जहाँ वो गीला हुआ है वहाँ तक आप पेस्ट लगा लीजिए, डीप पेस्ट। अब पानी पेस्ट को सबसे नीचे लगाते हैं पानी चेक करने के लिए। ठीक, अब जैसे डीप मारे उससे आप सेल को बंद कर दीजिए डीप मारते तक, ताकि आप रीडिंग सब लिख सकें। जैसे आपका डीप मार यहाँ पेस्ट लगा लिए, फिर उसको फिर अंदर डालिए, सीधा रखिए, फिर वो लेबल में कट जाता है, लेबल में इस टाइप से, मान के चलिए 45। अब 45 और 46 के बीच में कट गया है तो उसको क्या लिखें, जैसे कि यहाँ स्केल में देख लीजिए एक बार। ठीक है, ये 45 और 46 के बीच में कट गया है तो उसको पॉइंट में कर लीजिए, जैसे कि 45.5 है तो 5 इसे पॉइंट में लिख लीजिए, ताकि उसको आप अपना डीप चार्ट में मिला सको। ठीक है, अपना डीप चार्ट भी अपने टैंक के हिसाब से बना रहता है, इस डीप के से जो मारेंगे जो आएगा 45 या 46 जो भी डीप में, उसको आप डीप चार्ट में मिला के ये देख सकते हैं कि कितना अपना टैंक में बचत है, स्टॉक है। ठीक है, अपने डीप और रीडिंग को रेट जो रीडिंग है, डीप मारते तक सेल को बंद करिए, डीप मारने के बाद रीडिंग को लिख लीजिए, उस रीडिंग से उस डीप तक कितना बचत है और कितना बेचा है वो पता चल जाता है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से डीप मारते समय सेल को बंद कर दीजिए और रीडिंग को लिख लीजिए दिन भर का हिसाब करने के लिए। ठीक है, इस टाइप से डीप मार सकते हैं।